खुश आमदीद, गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। प्रोग्राम आप देख रहे हैं सलाम जेके, दिल्ली के स्टूडियो से बराह रास्त। मैं हूं आपके साथ आसिफ रशीद। प्रोग्राम सलाम जेके में 90 मिनट तक हमारा और आपका साथ रहता है। आज एतवार का दिन है, सूरज की नई किरणों के साथ एक नए दिन का आगाज हो चुका है और हमारी भी कोशिश रहेगी कि मुख्तलिफ मौजूआत जिनके ज़रिए आप और हम जुड़ेंगे 90 मिनट तक, इनमें 20 मिनट आखिरी आज कोशिश रहेगी। थोड़ी जल्दी आपके लाइव कॉल्स भी प्रोग्राम में शामिल हो। आखिर में अपने अपने इलाकों के मसाइल कीजिएगा, जो मसाइल हैं वो उजागर कर सकते हैं। मुख्तलिफ इलाकों से कॉल्स आती हैं और कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा नए लोग टीवी स्क्रीन्स पर जो नंबर फ्लैश होते हैं उन पर कॉल करें। जो बार बार कॉल करते हैं वो भी थोड़ा परहेज़ करें इस चीज़ से कि नए लोगों को मौका दिया जाए। इसके अलावा अपने अपने इलाकों की खबरें क्या कुछ है, क्या अपडेट्स हैं, वो भी ज़रूर हम तक पहुँचाइएगा। लेकिन जहाँ तक प्रोग्राम का ताल्लुक है तो सबसे पहला हमारा फॉर्मेट रहता है, फॉर्मेट के हिसाब से हम चलते हैं। उसके बाद हम खबरों की तरफ जाते हैं हिस्ट्री ऑफ द डे के बाद, और आहिस्ता आहिस्ता करके अपने कॉलर्स की तरफ भी प्रोग्राम के आखिर तक पहुंचते हैं। तो प्रोग्राम में गौहर कुछ है, मेरे साथ इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया गौहर प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। शुरुआत आज करते हैं एक बार फिर से तय फॉर्मेट के मुताबिक, लेकिन आपको ये भी बता दें कि टीवी स्क्रीन के अलावा आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का भी इस्तेमाल करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। और वो प्लेटफॉर्म्स फेसबुक हैं, ट्विटर हैं, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, कू है, तमाम एप्लीकेशंस का सहारा लीजिए। इसके अलावा अगर आप तहरीरी मवाद आपको पढ़ना है, यानी तस्वीर के अलावा, वीडियोस के अलावा आप सिर्फ कंटेंट देखना चाह रहे हैं, तो वो भी आपको बेहतर कंटेंट मिलेगा हमारी वेबसाइट पर, जो कि है www.gulistannews.in पर। जम्मू कश्मीर की भी आज बात होगी, लद्दाख की बात होगी, सियासी जमातों की बात होगी, मुल्क के अंदर जो बवाल मचा उस पर हुकूमत की तरफ से क्या चीज़ें ऑफर की गई, लेकिन बवाल के बीच कुछ पाबंदियां, गिरफ्तारियां और लाठी चार्ज, ये सारी खबरें आज प्रोग्राम में रहेंगी। इसके अलावा बात पड़ोसी मालिक की भी करेंगे और दुनिया के दीगर मालिक की, जहां पर हलचल काफ़ी ज़्यादा है, मुलाज़मीन के हवाले से बात होगी। ये सारे मौजूदात आज के प्रोग्राम में रहेंगे। मौसम से कुछ इलाकों में खुशखबरी तो कुछ इलाकों के अंदर इस वक्त गम का माहौल है, क्योंकि नुकसान की भी इतलात हैं। ये सारा आपको प्रोग्राम में आगे चलकर बताएंगे, लेकिन आगाज़ मेरे साथ ही गौहर करेंगे हिस्ट्री ऑफ द डे के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ रशीद। तो प्रोग्राम की शुरुआत में बात करेंगे तय फॉर्मेट के मुताबिक तारीख में आज के दिन के हवाले से, यानी कि आज के दिन क्या कुछ हुआ। 19 जून तारीख में आज क्या कुछ हुआ है वो हम आपके साथ शेयर करना चाहेंगे, चाहे मुल्क की सतह पर हो या आलमी सतह पर, वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। यानी कि आज 19 जून 1981 में भारत ने एप्पल सैटेलाइट को कामयाबी से लॉन्च किया है, वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन साल 1970 में कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी की पैदाइश हुई है। और आज ही के दिन 19 जून 1987 को लुईस चाहरम की फ्रांस के बादशाह के तौर पर ताजपोशी हुई है, वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन साल 1948 यानी कि 19 जून 1948 में पानामा और कोस्टारिका ने इसराइल को तस्लीम किया है, वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन साल 1933 में यानी कि 19 जून 1933 में ऑस्ट्रिया की हुकूमत ने नाजी तंजीमों पर पाबंदी आयद की है, वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन 19 जून 1865 में यूनियन जनरल हुरिनर ने टेक्सास में तमाम गुलामों को आज़ाद किया है, वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन 19 जून 1621 में तुर्क फौजू ने यूनान को शिकस्त दी। और आज ही के दिन 19 जून 1961 में कुवैत ने बरतानिया से आज़ादी का ऐलान किया है। ये आज तारीख में आज के दिन के हवाले से कुछ अहम मालूमात मुल्की और आलमी सतह पर जो हमने आपके साथ शेयर की हैं। अब बाज़ाब्ता तौर पर खबरों की शुरुआत करेंगे और खबरों की शुरुआत करेंगे आसिफ रशीद। बिल्कुल शुरुआत आज करेंगे, आज सबसे पहले बात करेंगे मौसम की, क्योंकि तबाही बहुत सारे इलाकों के अंदर मची और जो तस्वीरें बताती हैं उसके बाद इंतज़ामिया भी बहुत सारे इलाकों में मजबूर हुई है कि वो एडवाइजरी जारी करें और लोगों को ऐसे जो ख़तरे वाले मकामात हैं जहां पर खतरात लाहक हैं उनसे दूर रखने की बात कही जा रही है। शुरुआत में आपको बताएंगे कि जम्मू कश्मीर के अंदर यानी नॉर्थ इंडिया के अंदर जब मौसम तब्दील हुआ तो असर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख तक देखा गया। सड़कों का हाल अहवाल, कौमी शाहरा का अपडेट, ये सारी चीज़ें आपके सामने। प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे, बात सबसे पहले सलाल पावर स्टेशन की करेंगे और इस बीच आपको बताएं कि सलाल पावर स्टेशन पर भी मौसमियाती तब्दीली का असर पड़ा है और सलाल पावर स्टेशन की इंतजामिया की जानिब से एक एडवाइजरी जारी कर दी गई है। इस एडवाइजरी में उन तमाम लोगों को मशवरा दिया गया है जो डैम के आसपास माल मवेशी को लेकर जाते हैं, सयाह जाते हैं या बाकी लोग हैं, सभी से कहा गया है कि कोई भी यहां पर ना आए, क्योंकि कोई हादसा पेश आ सकता है। इंतजामिया किसी भी हादसे की जिम्मेदार नहीं होगी, ये साफ कर दिया गया है।
आमतौर पर जून से सितंबर के महीने के दौरान इंतजामिया ये मानती है कि अचानक से पानी की सतह में इजाफा होता है या कमी देखी जाती है, तो इन सब के बीच में किसी भी तरह के नुकसान से बचा जाए। सलाल पावर स्टेशन जिसकी जो टोटल इस वक्त कैपेसिटी है वो 690 मेगावाट है, लोगों को मशवरा दिया, एडवाइजरी के जरिए बताया कि चिनाब के आसपास ना आए, क्योंकि बदलते हुए मौसम जहां गर्मियों में मानसून के साथ साथ या तो पानी बहुत ज़्यादा अचानक हो जाता है या पानी कम होता है, तो मुश्किलात उन लोगों को आती हैं जो आसपास किसी भी तरीके से सरगर्म नजर आते हैं। पानी की सतह में मुसलसल इजाफा इस वक्त भी हो रहा है, ये कंसर्न अथॉरिटीज़ मानती हैं। इसके अलावा रिजर्वायर हों या दरियाई का जो बालाई हिस्सा है और नीचे की तरफ जाने वाले जो इलाके हैं, पानी की सतह जून 2022 से अक्टूबर 2022 के दौरान किसी भी वक्त बढ़ सकती है या कम हो सकती है, और ऐसे में माजी में हमने देखा कई हादसात पेश आए और अचानक पानी के बहाव में इंसानी जिंदगियां भी खत्म हुई। अवामुन नास से अपील की गई है, बिलखसूस जो मकामी शहरी हैं उनसे कहा गया है कि वो होशियार रहें, दरियाए चिनाब के महाज पर डेरे ना डाले जाएं, मवेशियों को यहाँ पर पहुँच कर किनारों पर ना रखा जाए और किसी भी गैर महफूज जगह पर ना रहें या फिर ऐसे किसी चीज़ के जरिए दरिया को अबूर करने की कोशिश या चिनाब को क्रॉस ओवर करने की कोशिश ना करें जिससे आपको खुद खतरा महसूस हो, जान या माल के नुकसान का खतरा है। एडवाइजरी में साफ कर दिया गया है कि NHPC जो मुतल्लिका इंतजामिया है उसने पावर स्टेशन मैनेजमेंट ने डैम से पानी छोड़ने से भी पहले वार्निंग के तौर पर सायरन की आवाज़ पर खुसूसी तवज्जो देते हुए हर एक से चौकस और महफूज रहने की दरख्वास्त की है। आप देखेंगे कि अगर पानी अचानक खतरे की लाइन से ऊपर जाएगा, इन दिनों जो कि साफ कर दिया गया है कि पानी बढ़ रहा है, जून और सितंबर या अगस्त तक देखा जाता है या तो बढ़ता है या कम, लेकिन मॉनसून दस्तक दे चुका है जम्मू कश्मीर तक भी। अब मॉनसून जब पहुंचेगा तो इसके असरात आप और देखेंगे कि यहां पर यानी स्टेशन के आसपास देखे जाएंगे। अब हुकाम ये मानती है कि वो रेड सायरन बजाएगी, किसी भी तरीके का अगर खतरा होता है तो सायरन पर सब तवज्जो देंगे, उसकी आवाज़ जो वार्निंग वाला सायरन होगा उसकी आवाज़ सब सुने, चौकस रहें, चौकन्ना रहें, महफूज रहें और कोई ऐसा ज़राया इस्तेमाल ना करें जिससे आप दरिया को क्रॉस करने की कोशिश करें और नुकसान आपको उठाना पड़े। ये किस लिए एडवाइजरी जारी हो रही है, दो तरह की सरगर्मियां यहां पर आप देखते हैं, एक तो मौजूदा वक्त में सयाहत का अच्छा खासा सीज़न है तो ये भी एक टूरिस्ट स्पॉट माना जाता है जहाँ पर लोग आजकल फैमिलीज़ के साथ जाते हैं, जम्मू शहर से जाते हैं, पठानकोट से जाते हैं, पंजाब से लोग जाते हैं, तो डैम को देखने वालों में एक बड़ी तादाद उन लोगों की भी होती है जो स्कूलों से, तालीमी इदारों से, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज से जुड़े हैं। इसलिए बिना किसी नुकसान के यहाँ पर सरगर्मियाँ अंजाम दी जाए और हुकाम के काम में भी कोई अड़चन ना आए, किसी तरीके से खलल ना पड़े, वो सारी चीज़ें पहले से ही तैयारियाँ की जा रही कि नुकसान ना हो। NHPC सलाल पावर स्टेशन मैनेजमेंट ने साफ कर दिया है कि वो जिम्मेदार नहीं होगी, ना उसे जिम्मेदार ठहराया जाएगा, एक बोर्ड के जरिए बता दिया गया है, मुख्तलिफ मकामात पर बोर्ड नस्ब कर दिए गए हैं सलाल पावर स्टेशन की इंतजामिया की तरफ से कि अगर कोई भी नुकसान होता है, उन्होंने पहले से अलर्ट कर दिया है, पानी में जो चिनाब का पानी है उसका बहाव अचानक से जब बढ़ेगा, सतह आब में इजाफा होगा तो नुकसान अगर उठाना पड़ा वो जिम्मेदार नहीं होंगे, लिहाजा आप खुद अपना ख्याल रखेंगे क्योंकि मौसम तब्दील हो चुका है, बारिश का असर ऊपरी इलाकों में देखा जा रहा है और सलाल डैम में भी पानी बढ़ा है जो अब कम करने की कोशिशें हैं, और आज या कल आप देखेंगे कि पानी यहां से छोड़ा भी जाएगा मैनेजमेंट की तरफ से, तो पहले से क्लियर कर दिया। पिछले साल हमने देखा था, सिर्फ ये एक साल की बात है, हमने ये भी देखा कि सयाह बीच में फंसे थे, मवेशी फंसे थे और ऐसी सूरत हाल कल भी चिनाब के आसपास बनी, आगे चलकर वो दिखाएंगे, लेकिन जो हालात बने उसने परेशान किया एक तरफ लोगों को पिछले साल, इस बार इंतजामिया ने पहले से लोगों को आगाह कर दिया एडवाइजरी के जरिए। जी हां नाज़रीन, निजाम जम्मू कश्मीर के अंदर मौसम के हवाले से बात कर रहे हैं, भाई हम वादी के अंदर भी जो मौसमी तब्दीली आई है जिसमें लगातार बारिशें हुई हैं, तेज़ हवाएं और साथ ही साथ सालाबारी भी हो रही है, उसकी वजह से कहीं ना कहीं मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। जहाँ पर खुशकसाली यानी कि पानी की कमी को लेकर पहले किसान परेशान थे, बाग मालिकान परेशान थे, उसके बाद ही जब दो दिनों से लगातार मौसम में तब्दीली देखने को मिल रही और साथ ही साथ जो सियाहती मकाम है या पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर भी बर्फबारी हमने देखी, चाहे हम गुलमर्ग की बात करेंगे या सोनमर्ग की बात करेंगे या हम बात करेंगे पहलगाम के अंदर अमरनाथ गुफा जो है पवित्र गुफा, वहाँ पर भी बर्फबारी, ताज़ा बर्फबारी हुई है गुज़श्ता रोज़ भी, उसकी वजह से जो अब कुछ ही दिन बचे हैं अमरनाथ यात्रा को जब सिलसिला शुरू होगा 30 जून से, उससे कबल ही 10 रोज़ कबल ही वहाँ पर भी बर्फबारी हुई है और साथ ही साथ वादी के अंदर अंदरूनी इलाकों की अगर हम बात करेंगे तो तेज़ हवाओं की वजह से कई मकामात पर नुकसान भी हुआ है, जहाँ पेड़ पौधे दरख्त जो उखड़ आए हैं, कई मकानों को नुकसान पहुंचा है, गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा है और साथ ही साथ अगर हम
श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा की बात करेंगे तो कौमी शाहरा पर भी कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है। ट्रैफिक दिन भर हमने देखा है कि कल दिन भर मुसाफिरों को मुश्किलात पेश आए, जब ट्रैफिक वहां पर जो उसमें खलल पड़ा है उसकी वजह से दिन भर मुसाफिरों को इंतजार करना पड़ा। अच्छा गौर, ये तस्वीर भी दिखाना जरूरी है, जो हम पहले कह रहे थे ना कि एडवाइजरीज क्यों जारी हो रही है, ये फ्लैश फ्लड्स आए हैं बहुत सारे इलाकों में, चार गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है। और जो तस्वीरें इससे पहले आप देख रहे थे कि उधमपुर की हैं, जहां पर चार मवेशी सैलाबी सूरतहाल की जद में आए हैं। गौर, बिल्कुल, ये कल रात का वाकया है जहां पर जो उधमपुर के अंदर जो तवी नाला है उसमें ये पानी का तेज बहाव आने की वजह से कुछ मवेशी उसके अंदर ही फंसे हैं। लेकिन फिर काफ़ी मशक्कत के बाद ही लोगों की जानिब से और पुलिस की जानिब से, वहाँ पुलिस भी थी और मकामी लोग भी थे, उनकी जानिब से उन्हें फिर उन मवेशियों को जो फंसे हुए थे इस नाले के अंदर, तवी दरिया के अंदर, उन्हें फिर बचाया गया है। लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करेंगे तो जम्मू कश्मीर के अंदर अगरचे दर्जा हरारत में कमी हुई है, जो गुज़श्ता कई दिनों से लगातार जम्मू की बात करेंगे तो जम्मू में भी जो शदीद गर्मी थी उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं लोगों ने राहत की सांस ली है, जब वहाँ पर मौसम में तब्दीली देखने को मिली है। पिछले 24 घंटों में जो मौसम बदला है उसने बहुत सारे लोगों के चेहरों पर मुस्कान भी लाई है, यानी जो कृषि क्षेत्र से जुड़े हैं, जो ज़राअत से वाबस्ता हैं, किसान हैं, इंतज़ार एक लंबे समय से था क्योंकि बारिश बहुत कम हो रही थी। दूसरी बात, महकमा मौसमियात ने जो पहले पेशेंगोई की थी उसके मुताबिक बारिश की ये ताज़ा तस्वीरें और बर्फबारी जो ऊपरी इलाकों में, सिंथन टॉप की भी तस्वीरें साथ साथ आप देख रहे हैं, इसके अलावा गुलमर्ग के बाला हिस्सों में बर्फबारी हुई है, सिंथन टॉप और इसके आसपास के इलाकों में सयाह भी लुत्फ उठाते बदलते मौसम का नजर आए। लेकिन इन सब के बीच में खतरा टले नहीं है, ऊपरी इलाकों का रुख कम किया जाए, जो बाग मालिकान हैं वो दवापोशी कम करें, ये भी साफ महकमा मौसमियात ने जाहिर कर दिया है। चार गाड़ियों को कुल मिलाकर नुकसान पहुंचा है, तीन आरजी ढांचों को नुकसान पहुंचा है जम्मू सूबे के अंदर भी, वैली की तस्वीरें भी साथ साथ आप देख रहे हैं, और असर आज भी खराब मौसम का कुछ इलाकों में देखा जा रहा, फ्लैश फ्लड्स की से बचने के लिए पहले से कहा जा रहा है। इरफान फाजिल के पास चलते हैं, कश्मीर सूबे में दिन भर क्या कुछ रहने वाला है। इरफान, एक तो अभी अपडेट कीजिएगा, सुबह सुबह क्या सूरत हाल है, कल की तरह कल हालांकि हल्की बारिश श्रीनगर के अंदर थी लेकिन जो नॉर्थ साउथ या बाकी कुछ बालाई हिस्सों से खबरें आई कि फ्लैश फ्लड से नुकसान हुआ है, जुजवी नुकसान की इतलात है, आज दिन भर मौसम कैसा रहने वाला है और जो अगले दो तीन दिनों के दौरान क्या किसी किस्म की बारिश में कमी मुतवक्का है या फिर बर्फबारी थोड़ी कम हो सकती है निचले इलाकों में भी, जिसका असर देखने को मिलेगा? बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ रशीद। मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के एंड से अगर मैं बात करूं तो आज मौसम के दो पहलू है। पहले हमने देखा कि पारा 32.3 चला गया था जब श्रीनगर हॉटेस्ट डे में कन्वर्ट हो गया था, अब आजकल अगर देखेंगे तो यही सेटल डाउन जो मरकरी है अब 19.3 पे आ चुका है, यानी डेफिनेटली जो चेंज मौसम में, जिस तरीके से मेट्रोलॉजिकल ने कहा, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने कहा था कि तकरीबन 16-17 के बाद दोबारा से जो है मगरबी हवाओं का असर होगा, तो वो असर जमीनी स्तर पर काफी अच्छा दिखाई दे रहा है। इनफैक्ट अगर देखा जाए तो जो बारिश है इसने एक साइड से खलल पैदा कर दी है, दूसरे साइड से कुछ लोगों के लिए मुस्कुराहट भी खड़ी कर दी है, क्योंकि अगर आप देखेंगे जो फार्मर्स बेचारे काफी परेशान थे वादी कश्मीर के, जहां पर हमने देखा कि ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ वाटर वो काफी ज्यादा जो पैडी फील्ड्स उनके थे वो ड्राई पड़े थे और वो परेशान थे कि आखिर होगा क्या, मगर अब बारिशें हुई हैं तो उनके चेहरे पर मुस्कुराहट है। मगर अदर साइड ऑफ द स्टोरी आप देखेंगे, जैसे आपने खुद भी कहा कि चार व्हीकल्स जो है टेम्पो ट्रेवलर के साथ डैमेज भी हुआ है, अगर आप देखेंगे खुदा का करम था कि वो अनहर्ट रहे या वो वहां से निकल गए ताकि किसी जान और माली का नुकसान नहीं हुआ, हम ये देख रहे हैं कि वहां पर जिस तरीके से जो लैंडस्लाइड्स हुए उससे नुकसान जरूर हुआ है। साथ ही साथ अगर मैं गुलमर्ग की बात करूं तो वहां पर भी इसी तरह का हादसा जो है एक टिपर के साथ पेश आया है। एक साइड से ट्रैफिक जाम के भी मनाजिर आपने देखे होंगे या हमने भी देखे, जो नेशनल हाईवे का हाल कल रहा वहां पर कंप्लीटली पैसेंजर स्टैंडर्ड रहे, होल एरिया जो है उधमपुर रामबन पानीहाल काजीगुड़ का मुकम्मल तौर पर जाम रहा, मगर अभी राहत की खबर यह है कि नेशनल हाईवे क्लियर हो चुका है, गाड़ियों की आमद रफ्त जो है वो शुरू हो चुकी है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि सर्दी का माहौल जून के महीने में फिर से देखने को मिला, अब वूलन क्लोथ्स या साथ ही साथ जो हीटिंग गैजेट्स हैं जो लोगों ने बंद कर दिए थे वो दोबारा से उन्होंने खोलना शुरू कर दिया क्योंकि ठंड में काफी ज्यादा बिल्कुल काफी और मेट्रोलॉजिकल दिनों के बाद हमने देखा। एक चीज और भी बताइएगा इरफान, जो आप मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की प्रेडिक्शन बता रहे हैं लेकिन साथ साथ किसी तरह की स्केड्यूल में कोई तब्दीली हुई है, एयरपोर्ट पर इसका कोई असर देखा गया है या अंदरूनी सड़कों पर शहर के भीतर?
देखिए अगर मैं बात करूं अपर रीचेस को लेकर, जिस तरीके से हिली एरिया जैसे सोनमर्ग गुलमर्ग है वहां पर तकरीबन 2 इंच जो है बर्फ भी रिकॉर्ड की गई है और अच्छी खासी बारिशों का जो सिलसिला है वो अभी भी शहर में जारी है, श्रीनगर में जारी है। जिस तरीके से आपने एयरपोर्ट के हवाले से बात की है तो कोई ऐसी जी नौबत नहीं आई है या कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है कि जिससे फ्लाइट से आना जाना बंद हो गया है। नो डाउट कि बारिशें हो रही है या विजिबिलिटी भी अभी क्लियर है, मगर अब खबर ये है कि डिपार्टमेंट ऑफ मेट्रोलॉजिकल उन्होंने 21 जून तक इस WD के बारे में बात की है। इरफान जरा ये भी बताएगा, ये भी बताएगा कि आज अगर की आज की बात करेंगे तो वादी में किस तरह का मौसम है, और साथ ही साथ गुज़श्ता रोज से ये भी खबरें मौसूल हो रही हैं वादी के मुख्तलिफ इलाकों से जहां पर तेज हवाएं चलने से बिजली निज़ाम को काफ़ी नुकसान पहुंचा है, जहां पर दरख्त उखड़ आए हैं और वो बिजली का सारा निज़ाम जो है कई इलाकों में ठप पड़ा हुआ है, उस हवाले से क्या कुछ तफसीलात हैं? देखिए मौसम के हवाले से सबसे पहले बारिशों का सिलसिला अभी भी कश्मीर में जारी है, शहर श्रीनगर में भी हल्की हल्की बारिशें रात भर हुई और अभी भी बारिशें हो रही है और ये सिलसिला जो है आज दिन भर भी चलेगा और खास तौर पर धीरे धीरे कम भी होगा, 21 तारीख के बाद कम होगा। दूसरे साइड से अगर देखा जाए जो गस्टी विंड्स या हेल स्टॉर्म जो रहे हैं या तेज तूफानी हवाओं का जो असर रहा है इसने जी हाँ कई सारे पेड़ पौधे उसमें भी डैमेज खड़ा कर दिया, कई सारे लोगों के मकानों के छत भी उड़ गए, कई सारे जी हाँ कुछ दीवारें भी जो रूरल एरियाज अपर एरियाज में हैं वो गिर गए, मगर खुदा का करम है कि अभी इस तरह का जो माहौल है तेज तूफानी हवाओं का नहीं है, जबकि जब बारिशें होती है तो ये तेज तूफानी हवाएं रुक जाती। बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। जम्मू कश्मीर के अंदर ये सूरत हाल है, नदी नालों में सैलाब जैसी सूरत हाल पैदा हुई है और जम्मू सूबे के अंदर बहुत सारे इलाकों में भयानक रुख अख्तियार करता जा रहा है इस वक्त खराब मौसम। इससे पहले हम ब्रेक पे जाएं, एक और तस्वीर आपको बताते हैं केरला की, क्योंकि जब मानसून ने दस्तक दी थी तो 3 दिन पहले ऐसी तस्वीर आई जहां पर शिद्दत की गर्मी के बीच चेहरों पर मुस्कान थी कि थोड़ी सी राहत मिलेगी, लेकिन जब जब मानसून आता है तो तबाही के मनाजिर पीछे छोड़कर चला जाता है। केरला के अंदर यह हालत देखिए, इस वक्त आज के वक्त में भी आप देखेंगे तो मुल्क की हुकूमत भी इस वक्त काफी सरगर्म नजर आ रही है और एक्टिवली काम किया जा रहा है। 30 लाख से ज्यादा लोग सर्दर्न पार्ट्स के अंदर, जनूबी हिस्से जो भारत के हैं वहां पर मुतासिर हुए हैं। असम के अंदर तकरीबन 25 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है मानसून के आने के बाद। अब सिर्फ एक हफ्ते का वक्त हुआ है, मानसून ने सिर्फ 5-6 दिनों के अंदर क्या किया, कश्तियों का सहारा लेकर, लकड़ियों का, आरजी बोट्स का सहारा लेकर किसी ना किसी तरीके से अपनी जान बचाकर लोग यहां से निकल रहे हैं। दूसरी बात, जब ये सारी सूरत हाल बनी है तो मदद NCC की ली जा रही है, मदद इस वक्त तमाम लोकल पुलिस ऑफिशल्स की ली जा रही है, आर्मी की ली जा रही है, फिजाइया की ली जा रही है और बाकी जहां तक मुमकिन हो SDRF NDRF की टीमें इस वक्त तमाम इलाकों के अंदर लोगों को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। महफूज मकामात पर जिन लोगों को मुंतकिल किया गया 20 लाख से ज्यादा ऐसे लोग हैं, लेकिन 31 लाख के आसपास ऐसे लोग बनते हैं जो अब मुतासिर हुए हैं, घर बार जिनको छोड़ना पड़ा है। मैदानी इलाकों में सबसे ज्यादा पानी की सतह में अचानक इजाफा हुआ और इसकी वजह से जो बिजली सप्लाई खलल पड़ा, वहां किसी की जान ना जाए वो सारी चीजें रखनी पड़ रही है। तेज हवाएं भी समुद्री किनारों पर काफी तेज चल रही हैं तो वो भी परेशानी का सबब बन रही है, जिसकी वजह से जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज का असर है वो इस खत्ते में ज्यादा देखा जा रहा है। अभी तक बजाली, करबी, इसके अलावा एनलोंग वेस्ट, साथ ही कोकराझार और तमुलपुर के वो इलाके हैं या हुजाई जिला है जहां पर तकरीबन 8 लोग अब भी लापता है, ये इंतजामिया की तरफ से अब वजाहत कर दी गई है। दूसरी बात, जिन लोगों की अभी तक इस साल आप देखेंगे फ्लड्स में, बारिशों में, खराब मौसम के बीच जितने लोगों की जान गई है उनकी तादाद 62 बताई गई है, ये साल 2022 की बात है, लेकिन पिछले 6 दिनों के दौरान 25 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है और बदलते मौसम का असर कैसे जम्मू कश्मीर तक, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल तक देखने को मिल रहा है ये पहले ही प्रोग्राम के आगाज में हमने आपको बता दिया। ओवरऑल 32 जिले जनूबी हिस्सों के अंदर इस वक्त हैं जो शदीद सैलाबी सूरत हाल की लपेट में हैं, ऐसी जद में आए हैं कि यहां पर टीमों को खड़ा करना पड़ा है। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की तरफ से, वज़ारत दाखिला की जानिब से भी रियासती वज़ीर आला के साथ मुसलसल राबता रखा जा रहा है और माली तआवुन कैसे किया जा सकता है, इमदादी टीमें कैसे मुतासरा इलाकों में भेजी जा सकती हैं, इस पर तफसीली ब्रीफिंग के बाद काम इस वक्त जारी है। लेकिन 31 लाख के आसपास लोग जो अब तक तकरीबन 4291 गांव में पानी दाखिल हुआ है, ब्रह्मपुत्रा और इसके आसपास की जो नदियां हैं उनका पानी जहां पर सतह आब में इजाफा हुआ है, इसके अलावा तकरीबन अब तक जो बताया जा रहा है कि 66,455.82 हेक्टेयर जमीन जिस पर काश की गई थी लोगों की तरफ से वो तबाह हो गई है, जिस पर लोग इनसार करते थे, जहां पर आज के वक्त में खेतीबाड़ी हुई थी।
लेकिन वो भी तबाह हो चुकी है सैलाबी सूरतहाल में। 4000 से ज्यादा गांव इसकी जद में आए हैं। ये सूरतहाल इस वक्त केरला और आसपास के इलाकों में है, तमिलनाडु, लेकिन जहां जहां पानी ज्यादा आया वहां पर लोगों को घर बार भी छोड़ना पड़ा है। कहीं कोई ऐसा इलाका नहीं जहां पर इस वक्त खौफ और सन्नाटा ना पसरा हो। वक्त अब यहां छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के उस पार वापस आएंगे तो आपको बताएंगे कि जम्मू कश्मीर इंतजामिया के दो बड़े फैसले आरजी मुलाजमीन के लिए खुशखबरी है, इसके अलावा उन अफसरान के खिलाफ अब तलवार उन पर लटकी है जिन्होंने कहीं ना कहीं गैरकानूनी तकरियां करवाने में अपना कलीदी रोल अदा किया है। हमारे साथ रहिएगा।